अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये जो मीटिंग हुई है अभी भारतीय जनता पार्टी की 30 लाख की कार्य योजना थी जो 12 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के वही बांटना चाह रहे थे और बोले आप 10 को एक भी रुपया इसमें से नहीं मिलेगा, हमारा बहुमत हम लोगों का ज्यादा है, हम 12 लोग ही बांटेंगे। जो बहुमत होगा यहाँ पर जो बैठे हमारे विधायक प्रतिनिधि मनोज चौधरी के, वरुण चौधरी, राजू दास है, उन्होंने ये मीटिंग करवाई और उन्हीं के इशारे पर यह जनपद चल रही है। मैं सरकार से और सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मामला ही खत्म कर दें, हम इस्तीफा दे दें बने और हम घर बैठे। फिर इस हिसाब से अगर सरकार के नुमाइंदे इस जनपद को चलाएंगे तो हम चुनाव लड़के हमें भी जनता ने चुना है, जनता ने यहाँ पर हमें भेजा है, हम हमारे घर से या हमारे मन मर्जी से यहाँ डायरेक्टर बनकर नहीं आए सारे लोग। अब आपका विरोध है तो आगे किस तरह का विरोध रहेगा आपका? स्टे लेके आएंगे कोर्ट, आगे स्टे लेंगे कोर्ट से, न्यायालय से। अभी जैसे यहाँ पे आदेश पारित हुआ क्या? और अभी अगर जैसे अभी आपका बहुमत नहीं है और जो सामने पक्ष है उनका बहुमत है और फिर भी पारित होता तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम कोर्ट की शरण लेंगे, न्यायालय की शरण लेंगे, बराबर स्टे लाएंगे इस राशि के ऊपर। ये सरासर भारत के संविधान में गलत है और कानून की शरण लेना हर नागरिक का मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आपका नाम बता दो। राकेश मंडलोई, सिरोलिया। चल रही थी और बीच मीटिंग को बंद कर दिया आपने, किस विषय को लेकर जहाँ पे चर्चा हो रही थी और क्या कहना चाह रहे हो आप? बीजेपी वाला पहला की राशि में मनमानी करी और 12 में राशि बांटी ली और अब भी उन 12 जना की कार्य योजना बनाई और हमारे किदेगी तो ऐसे ही करते हैं। किस राशि किस लिए उपयोग? हमारे 3 जना घटी रहा था इकाली उन हमारे नहीं बांटी। अच्छा, राशि किस काम के लिए राशि वो हो रही थी? विकास कार्य की राशि होनी थी। आपके आज कितने लोग पहुंचे थे यहाँ पे? हम 10 लोग पहुंचे थे। अध्यक्ष अध्यक्ष उपाध्यक्ष का 10 था। 10 थे और सामने वाले जो थे वो 12 थे। तो अभी बहुमत कुछ ही पारित नहीं हुआ? हमने साइन नहीं करी कि हम बहुमत में नहीं, और उन लोगों ने साइन भी करी। आपने साइन नहीं करी किसी ने? 1,30,00,000 की कार्य योजना थी। 1,30,00,000 का नाम? राम कला भाई। ठीक है, क्या बैठक चल रही है और आपका क्या विरोध है इसमें? बैठक क्या, इसकी पहले भी हमारी जनपद में एक बार बैठक हो चुकी है तो पहले भी इनने हमारे माले माल वो पूरा फंड बांट लिया और आज जब दूसरी बैठक हुई तो हमारे सभी सदस्य आए, उसमें 2-3 कोई कारणवश नहीं आ पाए। तो जो मैडम ने इनने निर्णय लिया कि वो एक तरफा करके उनको बांट दिया पेमेंट, तो इसमें ऐसा है क्या कि जो बहुमत जिसका रहता है उसका फंड मिलता है क्या? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कोई मतलब रहता कि नहीं रहता, नहीं तो इनको फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई इनकी बगैर सहमति से कुछ भी, वो केवल वही मनमानी कर रहा है। ठीक है, कितना बजट आया था? ये 1,26,00,000। ठीक है, अच्छा आपके आज कितने सदस्य पूछे थे? आपके कितने सदस्य पूछे आज? 13 है हमारे टोटल। 13 में से कितने आए थे आज? आज 10 10 लोग आए थे 13 में से। और सामने वाले जो है उनके कितने पक्ष लोग आए थे? उनके 12 आए थे। आपका नाम? कालू सिंह दरबार। कहाँ के हैं आप सदस्य?